हेलो लवली पीपल, ऋषभ एंड नल देखते तो आपको पता ही चलेगा कि आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो आज मैं जाने वाला हूँ फैमिली के साथ घूमने। तो लेट्स कंटिन्यू टू द ब्लॉग एंड मैं जाता हूँ। पहले नहा के रेडी हो जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा और हम पता है कहाँ जाने वाले हैं ऐसे तो भी कन्फर्म नहीं, बट आई गेस हम तीन मंदिर जाने वाले हैं। पहला होगा कालका जी, सेकेंड होगा इस्कॉन टेम्पल एंड थर्ड मे बी लोटस टेम्पल, और अगर हो सका तो हम छतरपुर भी जाएंगे जो वहाँ पहले वाले ब्लॉग में गया था ना, उधर भी जाएंगे। और उस टाइम मैं हाफ ही मंदिर घुमा था और हाफ ही आपको दिखाया था। अगर मैं दोबारा गया तो आपको पूरा डिटेल में भी दिखाऊंगा। और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है ना तो वो जाके देख लेना, इसका लिंक मैं पिन कमेंट में पिन कर दूँगा, ठीक है? तो लेट्स कंटिन्यू द ब्लॉग, जाता हूँ ना। फ्यू मोमेंट्स लेटर एंड जाने से पहले आपको अपना आउटफिट दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा, दिस इज माय ओटीडी आउटफिट ऑफ द डे। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा हूँ। बाय बाय माता रानी, हम लोग जा रहे हैं और आप घर का ख्याल रखना। गाइज अभी हम निकल गए हैं यहाँ से, हमें जाकर एक ऑटो लेना है, सीधा ऑटो से हम मंदिर पहुँच जाएंगे। सो नाउ वी आर ऑन ऑटो एंड हम सब ऑटो में फिट हो गए हैं, बैठ गए हैं और निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन के लिए यार। और मुझे वेट नहीं हो रहा कि मैं कब मंदिर पहुँचूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी भी हूँ आज। सो गाइज वी ऑल ऑन आवर डेस्टिनेशन, हम लोग आ गए अपनी डेस्टिनेशन कालका जी। और अगर आपने पहले देखा नहीं है तो जो भी वाइट कलर का टेम्पल था अभी फर्स्ट क्लिप में वो था कालका जी। तो अभी नवरात्रि की वजह से यहाँ से एंट्री क्लोज्ड है, डेट्स वाई हमें गेट नंबर 1 पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यार अभी नवरात्रि है तो क्राउड मैनेज करने की वजह से आगे वाले गेट से एंट्री दी जा रही है। और आप क्राउड देख रहे हो, आज बहुत ज़्यादा क्राउड है क्योंकि नवरात्रि डे 5 है। तो अभी हम आ गए हैं वीआईपी एंट्रेंस में, तो चलो यार अंदर चलते हैं। फाइनली अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी, बहुत मुश्किल से वीआईपी पास देखे। चलो यार अंदर चलते हैं, लुक एट दी क्राउड गाइस, कितना ज़्यादा क्राउड है, वो भी इतनी ज़्यादा गर्मी में, क्योंकि आज सब माता रानी के दर्शन करने आए हैं। और ये देखो वीआईपी लाइन है गाइस, आप इमेजिन करोगे फिर नॉर्मल लाइन में कितनी ज़्यादा भीड़ होगी जब वीआईपी लाइन में इतनी ज़्यादा भीड़ है। बिकॉज ऑफ एनी रीज़न गाइज मैंने अंदर जाते ही कोई क्लिप नहीं निकाला, क्योंकि यार इतना ज़्यादा क्राउड था एंड माता रानी के आगे सिर्फ 2 से 3 सेकंड मिलते हैं दर्शन करने के लिए। और ये मैंने क्लिप लगा दी है, आप लोग भी दर्शन कर लो और सभी लोग कमेंट में जय माता दी लिख दो। सो गाइस अभी हम मंदिर से दर्शन करके निकल गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। अब यहाँ से एकदम नियर है इस्कॉन टेम्पल, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। इधर से लिए थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है और पार्क को क्रॉस करना पड़ता है, तो पार्क को क्रॉस करके हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। बीच में मैंने लस्सी पी ली बिकॉज ऑफ वर्क था और कुछ नहीं पी सकता था। और ये है पार्क, अभी पहले रोड को क्रॉस करना था देन अब पार्क को क्रॉस करना है, तो इसे क्रॉस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। Crowd देखो,
लिटरली गाइस ये पार्क बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतने ब्यूटीफुल प्लांट्स फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, इतनी अच्छा इन्वायरमेंट, इतनी अच्छी एयर, फ्रेश एयर, फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल है। चाहो तो फोटोशूट भी कर सकते हो, मुझे तो ये लोकेशन बहुत ही अच्छी लगी। सो गाइज यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इतनी ब्यूटीफुल ग्रीनरी है, हम सब उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और अभी हमने आधा पार्क कवर कर लिया है और थोड़ा सा ही डिस्टेंस है मंदिर और हमारे बीच में, तो अभी इसके बीच में पड़ेगा पार्क जिसे देखकर हम लोग तो यार बहुत पागल हो गए थे। अब यहाँ मुझे वेट नहीं हो रहा, मैं बहुत एक्साइटेड इस पार्क में बहुत सारे झूले झूलने के लिए, तो यार चलो फटाफट से पार्क में चलते हैं। पार्क में आते ही मैंने तो इस झूले पर अपना कब्जा ही कर लिया गाइस। हम इतने क्रेजी हो गए थे, मतलब जो कोई हमें झूला दिख रहा था एक झूला छोड़ रहे थे, दूसरा झूला झूलने लग रहे थे और ये तो हम भूल ही गए थे कि यार हमें मंदिर भी जाना है। हम बच्चे तो बच्चे, यहाँ पर मम्मी और आंटी भी देखो झूला झूल रहे हैं, यानी कि सब इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अकेले हम ही इंजॉय कर रहे हैं, मम्मी आंटी सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। और मैं तो भाई एक झूला छोड़ रहा हूँ तो दूसरा झूला पकड़ रहा हूँ, मतलब खाली तो मैं बैठ ही नहीं रहा, कोई ना कोई झूला झूल ही रहा हूँ। और अभी मैं बाबू के साथ झूला झूल रहा हूँ तो इसलिए अपने झूले की स्पीड थोड़ी धीरे रखूंगा, क्योंकि यार वो बेबी है ना इस वजह से। और अभी ये लोग यहाँ पर झूला झूल रहे हैं और मैं काजल जा रहे हैं कुछ रील्स और पोस्ट का शूट करने, और अगर आपको वो देखनी है तो मैं नीचे इंस्टा आईडी शो कर दूंगा, आप लोग जाकर देख लेना और सभी को लाइक भी कर देना गाइस। और यहाँ पे यार इतने अच्छे फ्लावर्स हैं, मतलब वीडियो बना बना के हमारा मन ही नहीं भर भर। अब हम जा रहे हैं मेन जगह, बहुत देर खेल लिया पार्क में, अब आए तो हम यहाँ दर्शन करने थे, यहाँ पार्क में बैठे थे और अब क्या बोलते हैं दर्शन ओपन भी हो गए होंगे, तो हम चाहते हैं दर्शन करने। सो भाई अब मैं जा रहा हूँ मंदिर में एंट्री लेने, तो मैंने फटाफट से मंदिर में एंट्री ले ली है। एंड यार इतना ज़्यादा पार्क में खेलते रहे हमें पता ही नहीं चला कि इवनिंग आरती का टाइम हो गया है, तो अभी हम जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं। और अंदर जाती सबसे पहली नज़र मेरी पड़ी इधर, तो यहाँ पे बैठी दे रहा था कृष्णा। एंड मंदिर में अंदर जाते ही हम लोग इतनी हड़बड़ी में अंदर भागे, बिकॉज ऑफ गाइज इवनिंग आरती होने के बाद जो भगवान जी के आगे गेट लगा होता है वो गेट खोलता है, तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है देखने के लिए, बहुत ब्यूटीफुल मूवमेंट होता है और इससे बहुत से लोग देखने आते हैं, डेट्स वाई हम लोग भी जल्दी जल्दी गए। और ऐसा हमें लग रहा था कि अब तो गेट खुल चुके होंगे, बट भगवान जी ने हमें बचा लिया, गेट नहीं खुले थे, हम देखना चाहते थे कि कैसे गेट खुलते हैं, बिकॉज वो मूवमेंट बहुत ही एनर्जेटिक ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव होता है। तो अभी हम अंदर आ गए हैं, बैठ गए हैं, यहाँ पूरे टाइम हरे कृष्णा हरे राम का जाप चल रहा था। अगर आपको सुनना चाहते हो ना तो मैं आपको सुना दूंगा कि अपना यहाँ का साउंड सुन के ही आप इमेजिन कर लोगे कि कितनी पॉजिटिव एनर्जेटिक वाइब होगी यहाँ की। और अभी आप सभी यहाँ का साउंड सुनो और यहाँ की वाइब को इमेजिन करो। सो अभी हम सब भी हरे कृष्णा हरे रामा का जाप कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें कान्हा जी की पहली झलक मिले। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और आप लोग आसपास देख रहे हो कि राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है। अभी इससे पहले एक सिनेमैटिक सीन था तो फटाफट उसमें मैंने सभी पेंटिंग्स दिखाई थी और इन पेंटिंग्स को देख के बहुत अच्छा लग रहा था और इतनी सुंदर पेंटिंग्स थी ना यार, मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग भी देख ही रहे होंगे ये एनर्जी से। तो चलो यार जल्दी से अंदर चलते हैं, करते हुए पेंटिंग ऐसे ही बहुत सारी पेंटिंग थी।
एंड यहाँ का झूमर देख रहे हो इतना बड़ा, इतना सुंदर लग रहा था। और अभी सिर्फ थोड़ी ही देर में गेट खुलने वाले हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है कान्हा जी को देखने के लिए। सचमुच बता रहा हूँ, ये इतना ब्यूटीफुल एंड क्या बताऊँ यादफुल मोमेंट है मेरी लाइफ का। मुझे बहुत ही सुकून महसूस हुआ। आपको प्रेफर करूँगा, आप सभी आओ और दर्शन करो, और यहाँ का साउंड सुन के, वाइब सुन के आप भी बहुत पीसफुल महसूस होगा। एंड कमेंट्स में सब लोग लिख दो हरे कृष्णा हरे रामा जय श्री राधे जय श्री श्याम। गाइस ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आप कमेंट करो, आप सिर्फ राधे राधे कमेंट कर देना, ठीक है। और ये मैंने आपके लिए सभी वीडियोस लगा दी है, आप लोग सभी दर्शन कर लो, आपको भी दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जो मेन दर्शन की वीडियो थी वो मैंने ना वर्टिकल में शूट करी है, बिकॉज ऑफ कोई रीज़न था, डेट्स वाई आप लोग मैनेज कर लेना यार। तो मैंने आपको दर्शन तो करा दिए, तो आपको बता दूं कि इससे पहले जहाँ मैंने आपको मेन दर्शन कराए थे वहाँ मैंने व्लॉग मोलियाड़ी की वर्टिकल मोड पे वीडियो नहीं बना पाई, कोई रीज़न था, तो आप लोग हॉरिजॉन्टल में ही मैनेज कर लेना। और अभी यहाँ पर मैंने काजल को रिक्वेस्ट करा कि वो थोड़े से क्लिप्स निकाल के आए, क्योंकि मैं वहाँ पर बैठ के हरे कृष्णा हरे रामा का जाप कर रहा था। तो काजल आई है यहाँ पर क्लिप निकालने, और अभी एक जगह के दर्शन बाकी है, वो है नरसिंह भगवान जी। तो लीजिए यहाँ के भी दर्शन कर लीजिए आप सब लोग। और अभी आपने जो हरे कृष्णा हरे रामा का पाठ सुना है वो ये गुरुजी और उनके ये सभी दोस्त नहीं गाए, मतलब सभी साथ दे रहे हैं, उनके साथ गा रहे हैं, और ये बहुत ही अद्भुत गाया उन्होंने। और अभी टाइम निकलने का, बट घर जाने से पहले हम लोग चले गए बाहर के मंदिर को एक्सप्लोर करने, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था और शाम भी हो रही थी, तो हमें जल्दी से जल्द घर पहुंचना था, क्योंकि शाम की इवनिंग आरती भी करनी है। और यहाँ पर हम लोगों ने फिर बहुत सारी वीडियोज़ फ़ोटोज़ शूट करी। दर्शन करने के बाद इस पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी और देखी, और यहाँ की बहुत सारी फोटोज वीडियोस क्लिक करी। बाय बाय स्कॉन, जल्दी मिलेंगे हम दोबारा। अभी हम जा रहे हैं और आज शो भी था, बट हमारे पास टाइम नहीं देखने का, और होप करता हूँ जल्दी दोबारा आऊँगा। मैं आऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीस मिलता है, मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। रिकमेंडेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, प्रेफर करूँगा सब लोग आएँ। बट अगर आपको नाइट शो देखना है संडे को आएँ, बस थोड़ी सी भीड़ मिलेगी।
काफ़ी बहुत अच्छी फैमिली डेली, इसमें आपको बिल्कुल भी फीड नहीं मिलेगी। तो अभी हम सब मंदिर से बाहर आ गए हैं और देख रहे हो यार वेदर कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ से ऑटो वगैरह कुछ भी अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं घर और यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा तब हमें ऑटो मिल जाएंगे, जो भी ऑटो अवेलेबल होंगे, कार वार कैब। गाइस आज का ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ। आई विल मीट यू सून, एज आई प्रॉमिस आई विल मेक मोर लॉन्ग वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, देन शेयर, एंड उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब बटन के पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए। एंड नेक्स्ट वीडियो आएगी आफ्टर वन डे, क्योंकि यार समझते हो ना एडिटिंग करनी पड़ती है, इस वजह से एक दिन बाद आएगी। तो गाइज इट्स फॉर टुडे, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो आएगा एक दिन के बाद। एंड बाय बाय, टाटा, सी या, वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम। ये देखो लिटरली हल्की हल्की बारिश भी हो रही है ना, तो इस वजह से। और ये हमारे देश का झंडा, जय हिंद। बाय बाय स्कॉन।